नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महाप्रभु आशीर्वाद चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण है, जिसमें से एक गरुड़ पुराण भी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कर्म फल के हिसाब से मृत्यु के बाद की सजा और किस कर्म को करने से कौन सा जन्म मिलेगा, यह सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे, जो यह है कि पत्नी के कौन कौन से कर्म को करने से उसका फल पति को भी भोगना पड़ता है, एवं पत्नी के किन गलतियों के कारण पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आखिर किन किन कारणों की वजह से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है, इस विषय की चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल सके। दोस्तों, आप सब तो यह जानते ही होंगे कि पति पत्नी का रिश्ता हिंदू धर्म में कितना पवित्र होता है। पति पत्नी दो शरीर तो होते हैं, पर उनके शुद्ध प्रेम से उनकी आत्मा एक हो जाती है। इसलिए शादी विवाह को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह लिखा हुआ है कि पत्नी के कौन कौन से कर्म करने से पति की आयु लंबी होती है और कौन से कर्म करने से पति की आयु कम होती है। दोस्तों, अगर पत्नियां पूजा पाठ, तीज त्योहार, करवा चौथ के नियम को अच्छे से पालन करके शुद्ध मन से हर नियमों को पालन करते हुए उनका उल्लंघन ना करके व्रत करती है, तो उनके इस पूजा पाठ से पति की आयु लंबी होती है। और अगर जो स्त्री पूजा पाठ के दौरान नियमों को ना मानकर नियम के विरुद्ध जाती है, जैसे व्रत के दौरान सबसे छुपकर भोजन कर लेना, पति से झगड़ा करना, लड़ाई करना, पति को मारना, पति से झूठ बोलना, पति की आज्ञा ना मानना, पति की झूठी कसमें खाना और गुरुवार के दिन अपने बाल धोना और मांस का सेवन करना, दोस्तों यह सारे वो कर्म हैं जिन्हें स्त्रियां अगर करें तो उनके पति की आयु कम होती है। जो स्त्रियां शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, चूड़ी बिंदी यह सारे श्रृंगार नहीं करती है, तो इन सब से भी पति की आयु कम होती है। और भी बहुत से कारण हैं जिन्हें स्त्रियां करें तो उनकी पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, यह सब कारण हैं जिन्हें स्त्रियां भूलकर भी ना करें, नहीं तो आपके पति की आयु कम हो सकती है और आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो थी गरुड़ पुराण में लिखी हुई बातें जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। परंतु आपको यह एक बात बता दूं कि अगर किसी भी इंसान से अनजाने में गलती हो जाती है और अगर वह इंसान अपनी गलतियों को मानकर पूरे दिल से पश्चाताप की भावना से भगवान के सामने माफी मांगता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे सारे गलतियों को माफ भी कर देते हैं। परंतु हमें अपने गलतियों से सीख भी लेना चाहिए कि ताकि हम उस गलती को दोबारा ना करें। और दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह भी कहा गया है कि पति परमेश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए हमें अपने पति से अच्छे व्यवहार बनाकर रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम व्यवहार बना रहता है और सुख शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।